जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली आप सभी को मैं बताने चाह रहा हूँ कि जो कैंसिल ऑर्डर आ रहे थे उनमें से कुछ बच्चों के वापस जो कैंसिल ऑर्डर उनको कैंसिल करके जो ज्वाइनिंग डेट है, यानी जो स्टार्टिंग में जो ज्वाइनिंग लेटर आए थे उसी तारीख को वापस ज्वाइनिंग दे दी गई है। CRPF में ये कुछ जैसे वापस जो कैंसिल ऑर्डर है जिनकी कैंसिल हुई थी किसी कारण, ज़्यादातर नहीं मतलब 100% जिनकी बायोमेट्रिक मैच नहीं खाई थी तो उनके जो सिग्नेचर वेरीफाइड होने थे वो वेरीफाइड होकर वापस उनका जो कैंसिल ऑर्डर उसको कैंसिल करके सेम डेट को ज्वाइनिंग लेटर आ गए। तो ये मतलब गुड न्यूज़ बोल सकते हो, आपके लिए अच्छी खबर है। और मैं पहले भी बोला था आप सभी को, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी जिनके नहीं आए हैं, मेरे को पता है कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं वो आप सोचेंगे कि सर हमारे अभी नहीं आए, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिए, आपके वो वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपके जो मेन रूप से जो आपके सिग्नेचर है वो सिग्नेचर वेरीफाइड होंगे, मतलब वो जो आपसे वो 70 पेज बनाए थे उनमें जो आपके सिग्नेचर है उनको वेरीफाइड करेंगे, आपके जो आपने सिग्नेचर किए थे एग्ज़ाम टाइम में और फिजिकल टेस्ट के टाइम में, मेडिकल टेस्ट के टाइम में जो आपके जितने भी सिग्नेचर है उन सभी को मैच करा के वेरीफाइड करेंगे उसको। तो मैं पहले ही बोला था जो फेक नहीं है, 100% उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है 1-2 दिन 5 दिन 10 दिन या महीना लेट हो सकता है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कुछ लेटर वापस ऐसे आए हैं कि इससे आपको सेम डेट पे ज्वाइनिंग का वापस बोल दिया कि जो आपको पहले कैंसिल ऑर्डर आया उसको कैंसिल करके आपको ज्वाइनिंग डेट पे ही ज्वाइनिंग करना है। तो ये मैं लेटर बताऊंगा, उससे पहले आपको इस बार SSGD के लिए मेरे को 2-4 लाइनें याद आ रही है तो मैं सुना देता हूँ। कुमार विश्वास की मतलब किस प्रकार से आपको इसने इस बार तरसा दिया है कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है। तो दोस्तों, इस बार SSGD कुछ ही आपके साथ ऐसा ही कर रही है, और वापस जो SSGD को जो रिप्लाई दे रहे हैं जिन बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर आया उनके लिए भी ये लाइन कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती है इनको खो नहीं सकता, कि मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। कि जो ज्वाइनिंग लेटर मेरा नहीं हो पाया वो किसी का नहीं हो सकता, यानी वो मेरा है जो मेरा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसीलिए वापस आपको ये गुड न्यूज़ मान लीजिए। गुड न्यूज़ की बात ही नहीं है, मैं पहले भी आपको बोला था कि आपके जिनकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उनकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो पाना बहुत ही मुश्किल है, रेयर केस अगर कोई फेक माना जाता है या कोई फेक ID पाई जाती है उसी केस में आ सकता है। तो दोस्तों, ये देखो संबलपुर GC का वापस एक लेटर आया है भुवनेश्वर उड़ीसा से, ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल GC CRPF भुवनेश्वर उड़ीसा। तो दोस्तों, उड़ीसा की जो संबलपुर GC है उसका ये है, तो उसमें से क्या आया दोस्तों आप सभी देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ क्या है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी इन CRPF कैंसलेशन दे फॉर, यानी जो आपका कैंसिल हुआ था उसके लिए है। अब क्या लिखा हुआ, प्लीज़ रेफर टू द दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवन नंबर डेट 15 फेब 2021 वाइड विच ऑफर ऑफ यू अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल GD वाज इज टू यू वेयर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट GC CRPF भुवनेश्वर 15-3-2021। मतलब आप इसमें यह बोला गया है कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था पहले, उसके बाद में जो आपका कैंसिल ऑर्डर हो गया था उसको वापस से कैंसिल ऑर्डर है उसको वेरीफाइड करके आपका कैंसिल ऑर्डर रद्द कर दिया गया है, आपको वापस से 15-3-2021 को वापस संबलपुर GC जो GC आपको दिया गया उसमें जो आपको सेंटर दिया गया उसमें रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों, ये अच्छी गुड न्यूज़ है कि जल्दी वेरीफाइड हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता था, मैं पहले भी बोला कि थोड़ा सा टाइम लग सकता था लेकिन वेरीफाइड हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास में इंस्टाग्राम पर भी कि बहुत ज़्यादा बच्चों के लेटर आ गए कैंसिल लेटर, तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर 100% बात है कि आपको फेक, जो अगर कोई फेक केस पाया जाएगा तो उसकी तो मैं नहीं बोल रहा, बाकी जितने भी दोस्त हैं
चाहे उनके मूल निवास वेरीफाइड वाला हो, डोमिसाइल वेरीफाइड वाला हो, चाहे सीआईएसएफ में जो आपका नेम वेरीफाइड वाला हो, या फादर नेम के लिए आ रहे हैं या मदर नेम के लिए आ रहे हैं, आपको पता है इनके लिए भी लेटर आ रहे हैं मदर फादर नेम के लिए भी, उनको 10 दिन का टाइम देके सीआईएसएफ से आ गए ये नोटिस। अगर आपको नहीं पता तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, सीआईएसएफ से ऐसे नोटिस आ चुके हैं। और ये मान के चलिए कि सीआईएसएफ की भी ज्वाइनिंग आने वाली है, 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी सीआईएसएफ की भी। तो दोस्तों उन सभी के जो लेटर आ रहे हैं वापस, तो वो सभी लेटर मतलब वापस आपको आपके वो जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जो उनका टाइम दिया गया है कि 10 दिन में आप अपने माता पिता के जो ये मिस्टेक है इसको सही करा के आप दीजिए, 15 दिन में आप ये दीजिए, लेकिन आपकी किसी भी कंडीशन में ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं होगी, आपको भर्ती से आउट किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, जैसे वेरीफाइड में मैंने पहले बोला था कि समय लगेगा, लेकिन वो जीसी के वर्क पर डिपेंड करता है कि उस जीसी पे प्रेजेंट टाइम में कितने वर्कर्स हैं, कितने काम है। तो जिसका जल्दी होगा उनका जल्दी कैंसिल लेटर जो आया है वो वापस कैंसिल हो गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए वापस अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वापस आपको रिकॉल आएगा, यानी री लेटर वापस आपके नाम का आएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। साथ में मेडिकल को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास में आ रहे हैं कि सर मेडिकल कैसा होगा, मेडिकल के लिए क्या क्या करें, या कितना हार्ड मेडिकल होगा। तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि मेडिकल अगर किसी कोई बीमारी हो गई है तो वो एक अलग रीज़न है, बाकी आप पास हो जाओगे, लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको कोई बीमारी प्रेजेंट टाइम में या कुछ हो रखा है तो उसका इलाज भी साथ में कराते रहे ताकि वो बेटर रहेगा कि आप ज़्यादा फिट रहो, ठीक है। अब आप मैं बोल दूँगी नहीं सभी पास हो जाएंगे, आप बीमारी लेके चले गए, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। अगर आप बीमार हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप ठीक होना पहले उसकी मतलब अच्छे से हो जाओ। अगर कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं हो पा रही, वो उसके साथ ही जाना ज्वाइनिंग डेट पे, ठीक है। तो उसका फिर वहाँ पे जो समाधान होगा वो होगा, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं की जाएगी। अब जितने भी दोस्तों के कैंसिल ऑर्डर आए थे वापस इनको रिकॉल आ गया है, कुछ का आ गया है कुछ जीसीओं से, मैं 2-4 दिन में आपको अलग जो दूसरी जीसी हैं उनसे भी आपको रिकॉल लेटर आएंगे, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप चिंतित ना हो। जो ज़्यादातर जिनके कैंसिल हुए हैं वो है बायोमेट्रिक वाले, उसके अलावा अगर जो लेटर आ रहे हैं वो है जिनके फादर नेम में मदर नेम में मिस्टेक है, और वो कैसी मिस्टेक है कि उनकी 10th क्लास की मार्कशीट में अलग है, मूल निवास में अलग है, जाति प्रमाण पत्र में अलग है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स में मैच नहीं खा रही है। ये नहीं कि अगर आपका 10th क्लास में ठीक है और मूल निवास में ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में अगर कहीं ना कहीं वो मैच खा रहा है तो उनको नहीं भेज रहे हैं, सरनेम की प्रॉब्लम की वजह से बहुत कम भेज रहे हैं, जो मेन मिडिल नेम जो मेन नेम है उसमें प्रॉब्लम की वजह से भेज रहे हैं दोस्तों। अब कईयों के माता पिता का जो नाम है पहले से ही आप सभी को पता है गड़बड़ा रखा है बचपन से, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उनके सरनेम में प्रॉब्लम है तो उनके अभी तक ऐसा कोई लेटर आया नहीं है, ना ही ऐसा लेटर आएगा। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ऐसा लेटर आया था, क्योंकि माता पिता के नाम में मेरे ही प्रॉब्लम है, सभी के प्रॉब्लम है, मेरी मदर का नाम मेरे डॉक्यूमेंट में सब में अलग है और मदर की खुद की सारी आईडियो में अलग है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो उसके लिए आप ज़्यादा चिंतित ना हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।